Hello, Assalamualaikum. Hope you are doing great and fine. Me too. So welcome to my another vlog. How can I forget to tell you guys that be grateful for all that you have. Okay, so मेरी सुबह हो गई थी और मेकअप मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, बट मैंने उसको साफ कर लिया था. टाटा, इट्स मैजिक. नो, इट्स नॉट मैजिक, इट्स मेहनत. उसके बाद हमेशा की तरह मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और मोस्टली मेरी सुबह खुद ही चाय बनानी पड़ती है क्योंकि मेरी डेली सुबह में होती है. जबकि मेरे घर के ज़्यादातर लोग खाना खा रहे होते हैं तो मैं नाश्ता कर रही होती हूँ, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उठ के फौरन खाना खा लूँ. नाश्ता इज़ मस्ट. चाय रखने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करने चली गई थी. आई एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज नहीं, इतनी भी जो है ना मैं महान नहीं हूँ. एक्सरसाइज करने के बाद मुझे अपने मुँह जो है ना वो पानी में डालना होता है, ठंडे ठंडे पानी में, और आँखों में भी जो है ना वो ठंडा ठंडे पानी डालना होता है. वो वैसे भी आपके फेस के लिए अच्छा होता है, आप सुबह सुबह कर लो, और एक्सरसाइज के बाद तो फिर नहीं करना होता है ना. वैसे हम देखते हैं सुनते हैं कि इससे आपकी आइज़ की पफिंग हो जाती है, आपका फेस भी फ्रेश हो जाता है, वो सब. बट ये कि मैं आई की एक्सरसाइज करती हूँ तब ब्लड सर्कुलेट होता है, तो फिर उसके बाद ये है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. और फिर मैं एक ही क्यूब्स ले गई थी अपने फेस पर लगाने के लिए, और उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी, और मुझे नमाज भी पढ़नी थी. नेल पेंट मैंने ये शौक में लगा ली थी, तो मैं बोला जल्दी नेल पेंट हटा लूँ, उसके बाद आराम से नाश्ता वाश्ता कर लूँगी. मतलब होता है ना कि हाथों हाथ ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, मेरा गोल है साफ होता है. तो मैंने फटाफट नेल पेंट हटाई. एक तो ये पता नहीं भाई मैंने कौन सी नेल पेंट हटा दी थी, लगा दी थी, तो इसको हटाने में इतनी मुश्किल हो गई थी. और जो है मेरा नाश्ता तैयार हो गया था. मतलब ऐसा होता है चाय रख के जो नाश्ता भी जरूर करता है. और ये है माड़ियाँ आलू, आप लोगों को पता होगा नहीं होगा, या बहुत सारे लाख क्या हो गया, बहुत सारे लोग इसे कुछ और बोलते हैं. और ये मैं खा रही थी मलाई और शहद के साथ. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मलाई और शहद, ब्रेड के साथ भी, पराठे के साथ भी, मतलब कुछ भी हो बस मलाई और शहद हो. यम हो गया. बेसिकली जो है ना हमने डाइनिंग टेबल के नीचे डाला है ये कालीन कारपेट, तो उसके बाद ये हमें वापस टेबल जगह पे लानी पड़ी. और ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो है ना लड़कियों तो क्या हुआ, सब कर सकते हो. ये मार्बल की टेबल जब हम उठा सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हो. और उसके बाद क्योंकि शिफ्टिंग हुई है तो फिर स्कूल भी स्टार्ट होगा, तो मेरी सिस्टर्स का स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो ना रजिस्टर कॉपीज़ पे वही नाम लिखना, और मुझे लिखते हुए ना बड़ा अच्छा लग रहा था. और बड़ी बहन होने अगर आप बड़ी बहन हो तो इस तरह आपके छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, तो बस मैं भी अपना ही काम अंजाम दे रही थी. अपना काम कर रही थी, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही थी, छोटे छोटे फ़र्ज़. और आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ. मैं यहाँ पे ना नाम लिखते हुए अपनी सिस्टर्स को अपने टाइम की मतलब अपनी कोई स्टोरी सुना रही थी, और उन चक्रों में मैंने ना उसके नाम की जगह हर दो तीन कॉपीज़ में अपना नाम लिख लिया. सो फनी. ये सब काम करते करते रात हो गई थी, और रात के खाने में थे मोमोज जो मेरी सिस्टर ने बनाए थे. हाँ, वैसे मोमोज जो है बनते हैं, मुझे पर्सनली खाना वाना खाकर, बुक पढ़कर, नाइट केयर करके, डायरी लिख के मैं तो चली सोने. टाटा, बाय बाय, टेक केयर. और हाँ, वेट करना नेक्स्ट व्लॉग का. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.